तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया था। चलो क्वेश्चन करते हैं। उसके पहले कुछ केसेस में आपको बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, या स्पेशल केसेस है कुछ। तो हमने देखा था कि ये M2 है, ये M1 है, ये U1 से आ रहा है, ये U2 से, और U1 जो है वो U2 से ग्रेटर है। तो ये बिफोर कॉलिजन था। आफ्टर कॉलिजन हमने देखा, या ड्यूरिंग कॉलिजन हमने ये भी देखा कि जब इनकी वेलोसिटी क्या थी, वी हुई थी, तो ये था दरअसल मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। और उसके बाद ये वी वन से है, ये वी टू से है, और ये था आफ्टर कोलिजन, है ना। तो हमने यहाँ देखा कि M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये हमने देखा है ना। अब इसमें हमने ये नहीं बात किया कि कॉलिजन कौन सा है, यहाँ इलास्टिक कॉलिजन है कि इनइलास्टिक कॉलिजन है, है ना, या पार्शली क्या है, इसके बारे में बात नहीं किया। केवल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे इलास्टिक कॉलिजन हो या इनइलास्टिक कॉलिजन हो। क्यों रहेगा? क्योंकि जब भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। हम पहले ही बात कर चुके इस बारे में। तो यहाँ भी ऐसा ही था, दो बॉल है, कॉलिजन हो रहा है, इनके बीच में इंटरनल फोर्स होगा जो कि इम्पल्सिव फोर्स है, ठीक है। तो वो इंटरनल है, इंटरनल फोर्सेस होने हो या ना हो, उससे मोमेंट सिस्टम के मोमेंटम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, ओके। तो इसमें और एक इक्वेशन हमने ये ढूंढा है, E इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, या माइनस वी टू माइनस वी वन बाई यू टू माइनस यू वन, ठीक है। ये हमारे पास में कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसमें मैं जैसे एक केस यहाँ ले रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग केस ले रहे हैं इलास्टिक कॉलिजन का, ठीक है। यानी E इक्वल टू वन का केस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। ये लिख लो पहले,
लिख लिया सब लोगों ने? अब इसमें एक चीज और याद रखना है, आपने याद देखा होगा कि मैंने सब वेलोसिटीज जो है ना राइट साइड में लिया हुआ है, यानी सब वेक्टर फॉर्म की वेलोसिटीज एक तरह से वेक्टर फॉर्म में इनको लेना है। यानी क्या करना है, इनको जब भी रखेंगे बीच साइन रखेंगे, तो u1 u2 v1 v2 will be put up with sign। और वैसे तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट तो लेकिन याद रखना ही आपको है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन, यानी E इक्वल टू वन है, और इसमें जो केस मैं लेने जा रहा हूं इलास्टिक कोलिजन में, सबसे पहले जो केस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो केस है कि हेड ऑन कोलिजन ही है, क्योंकि हमने हेड ऑन कोलिजन की बात करी है ना। ऑब्लिक कोलिजन की भी मैं बात करूंगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, वहां कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना। केवल वहां क्वेश्चन करेंगे ऑब्लिक कोलिजन के, हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ लिया हम लोगों ने, तो हेड ऑन कोलिजन ही है। क्योंकि जो केस हम बात कर रहे हैं हेड ऑन कोलिजन ही है ना, ये समझ में आ गया तो ऑब्लिक वाला भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि वो तो सबसे पहला केस इसमें ले रहे हैं हम लोग, व्हेन एम वन इक्वल टू एम टू है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप यहां देखिए, देन U1 plus U2 equal to V1 plus V2 ना, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में, ठीक। तो ये इक्वेशन वन हो गया, और ये वन इक्वल टू V2 minus V1 by U1 minus U2 है ये हमारे पास में। हमें क्या चाहिए दरअसलिया, V1 V2 चाहिए। क्या चाहिए? V1, क्योंकि U1 U2 तो मालूम ही होगा अपने को, दो अननोन है, दो इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो v2 minus v1 equal to u1 minus u2, ये इक्वेशन नंबर टू। मैं यहाँ वन प्लस टू कर देता हूँ, है ना। वन प्लस टू करेंगे तो आप देखो कि ये इसमें ऐड करूंगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा ये, देखो आप u2 से u2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2u1 equal to क्या मिलेगा आपको, 2v2 मिलेगा। मतलब क्या हो, देखो ध्यान से, v2 equal to क्या हो गया, u1 हो गया। यानी जो बॉल टू था उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यू वन हो गई। मतलब वी टू इक्वल टू यू वन आने का मतलब क्या हुआ, एक तो ये आ गया। अभी इसको पहले इसमें पुट कर लेते हैं, इसमें अगर पुट करेंगे तो आप देखो यहाँ क्या मिल रहा है, यू वन माइनस वी वन इक्वल टू यू वन माइनस यू टू। देख रहे हो, यू वन से यू वन कैंसिल आउट हो गया, तो आप देखो कि वी वन इक्वल टू क्या हो गया, यू टू आ गया। मतलब ये हुआ कि अगर मासेस सेम है और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, स्पीड नहीं वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब ये कि अगर बॉल, अगर मान लो बॉल टू बॉल वन के पास आ रही होती है, अगर लेफ्ट में मूव कर रही होती है बॉल टू और बॉल वन राइट में मूव कर रही होती है, तो दोनों का कोलिजन होता, इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती, एक्सचेंज हो जाती है। यहां एक नोट लिखेंगे, इफ मासेस ऑफ बॉल्स
आर सेम एंड कोलिजन इज इलास्टिक देन वेलोसिटीज और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग कॉमन नॉर्मल, तो यहाँ एड ऑन था तो ऑब्लिक में भी ये मैं कॉन्सेप्ट को इसलिए मैंने लिख लिया कॉमन नॉर्मल, ताकि ऑब्लिक में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इफ मासेस ऑफ बॉल्स आर सेम एंड कोलिजन इज इलास्टिक देन वेलोसिटीज और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग कॉमन नॉर्मल will exchange, ठीक है लिख लीजिए इसको। निकला सबने? नहीं सर। हो गया लिख के सर। ठीक है, तो पहला कैसे हो गया, दूसरा इफ एम वन ग्रेटर देन या M2 ले लो, कोई दिक्कत, M1 ले लो, M2 लो, कोई भी एक ले लो। तो चलो मैं यहाँ M2 ले लेता हूँ। तो M2 greater than अगर M1 है, if M2 greater than M1 है, तुम्हारे पास में क्या है? Since M1 U1 plus M2 U2 equal to M1 U V1 plus M2 V2, M2 बहुत ज्यादा उससे डिवाइड करेंगे तो M1 by M2 U1 plus U2 equal to M1 V1 by M2 plus V2। आप ये देखो M2 काफी ज्यादा है तो ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि V2 equal to U2, मतलब हुआ कि जिसका मास ज्यादा है, जैसे मान लो ट्रक है या मान लो एरोप्लेन है या ट्रेन है, तो
तो आप देखोगे कि उसकी वेलोसिटी कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद सेम बनी रहेगी, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। मास अगर सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रक के सामने जाके टकराओगे तो ट्रक की वेलोसिटी थोड़ी चेंज होगी, वेलोसिटी तो आपकी चेंज होगी, ठीक है। तो ये मतलब है, यानी जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी यहां से देखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है सिंस वन इक्वल टू क्या है, वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू। रखो यहाँ वी टू की वैल्यू क्या है, मतलब वी टू की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो यू टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, तो यू वन माइनस यू टू इक्वल टू ये हो जाएगा यू टू माइनस वी वन, यानी वी वन कितना हो गया, तो वी वन हो गया टू यू टू, U1 माइनस U2 इक्वल टू U2 माइनस V1, यानी V1 इक्वल टू होगा टू U2 माइनस U1, ये वेलोसिटी होगी जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और यहीं से समझते हैं, देखो If U2 equal to अगर जीरो है तो आप देखो V1 equal to क्या हो गया माइनस U1, कुछ याद आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर इलास्टिक कॉलिजन है और वॉल है और वॉल से अगर बॉल का कॉलिजन हुआ तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट हो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये वही तो रहा माइनस साइन, ये तो इंडिकेट कर रहा है। दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल लेके, ये लिख लो, यहाँ बॉल क्या था, वहां रेस्ट पर था और बॉल का मास क्या था, काफी लार्ज था बॉल के कंपैरिजन में और वो रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी क्या हो रही थी, वहां जस्ट अपोजिट हो जा रही थी उसकी वेलोसिटी, ये वही तो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, माइनस यू वन। तो उसकी बॉल की वेलोसिटी कॉलिजन के बाद क्या हो गई, वी वन हो गई, जो की माइनस यू वन, यानी उसके जस्ट अपोजिट हो गई। याद आया? Yes, sir. Good. लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया ना? नहीं सर। हो गया सर। तो ये दो केस इसमें हो गए। उसी तरह से अगर मान लो मैं मतलब पार्शियली इनलास्टिक कॉलेज लेता हूँ, क्योंकि परफेक्टली हो गया तो ई को जीरो कर ही देंगे। वैसे तो मुझे पहले वही केस लेना चाहिए था पार्शियली वाला, जिसमें ई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, ई की वैल्यू जीरो रख सकते हो, वन रख सकते हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, ये समझ में आया यहाँ तक। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ, मान लो ये जैसे ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो फिक्स है, अर्थ तो फिक्स है,
यानी ये हमारे पास में हो गया एम टू, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यू टू वी टू इक्वल टू जीरो है, और ये बॉल आ रहा है मान लो यहाँ, तो ये बॉल आ रहा है यू वन इक्वल टू मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, और कॉलिजन कैसा है यहाँ, इलास्टिक कॉलिजन है, है ना। तो यही तो कॉन्सेप्ट हो गया, देखो भाई इसका तो मान, इसकी तो वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है, तो बॉल टकराने के बाद ये क्या करेगी, देखो वी वन यू वन इक्वल टू या क्या लिखोगे, माइनस टू लिखोगे एक तरह से इस फॉर्मूले में, या अगर ऐसे भी समझो तो आप, तो वापस से क्या हो जाएगा इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। तो ये तभी होगा जब इसका मास क्या है यहाँ, ये बॉल का मास एम वन है, यहाँ एम टू क्या है एम वन से काफी ज्यादा है, है कि नहीं, और इलास्टिक कोलिजन है, तो ये वापस 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रही है, अपोजिट हो जा रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड वही बना हुआ है। आगे बात समझ में ना? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक, कोलिजन है ना। तो इसमें ये एक ही केस ले लेता हूं मैं, व्हेन एम टू ग्रेटर देन एम वाला है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें मालूम है कि सिंस एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइड कर देंगे, तो एम वन यू वन बाई एम टू प्लस यू टू इक्वल टू एम वन वी वन बाई एम टू प्लस वी टू, ये नेग्लिजिबल है तो ये तो चेंज करेगा नहीं, यानी वी टू इक्वल टू यू टू बना रहेगा, आगे बात वापस से, है ना, ये तो चेंज करेगा नहीं। अब क्या होगा लेकिन यहाँ किस में चेंज आएगा, चेंज आएगा एम उसमें एम वन की वेलोसिटी में, ठीक है। चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन ही क्यों ना हो, तब भी जो ट्रक है या जो ट्रेन है उसका मास बहुत ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अब आपको उस ट्रेन से ट्रेन के बीच में, तब तो उनका मास तो कंपेरेबल हो गया ना, सेम हो गया ना, तो दो ट्रेन के बीच में अगर कॉलिजन होगा तब तो मास ऐसा थोड़ी अलग अलग हुआ फिर, तो आदमी एक मैन है और ट्रेन के साथ कॉलिजन होता है तब की बात कर रहा हूँ मैं, या कार है और ट्रेन के साथ कॉलिजन हो रहा है तब की बात कर रहे हैं हम लोग। इतना तो लॉजिक आपको समझ में आ ही रहा है। Yes, sir. तो ये हो गया, और हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा, E इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, तो यहाँ रख देंगे तो E इक्वल टू ये हो जाएगा यू टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, यानी ये हो गया हमारे पास में यू टू माइनस वी वन इक्वल टू EU1 minus EU2, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास में U2 plus EU2 minus EU1 equal to V1, है ना, यानी V1 equal to हो गया minus EU1 plus E plus 1 U2, ठीक है। लिख लीजिए तो ये वेलोसिटी उसकी हो जाएगी। कुल मिला के दो ही फॉर्मूले हैं जिनको आपको समझना है बस, तो ऐसा भी नहीं कि कुछ याद करना है कुछ याद नहीं करना है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन आना चाहिए साथ में, ये फॉर्मूला याद रखिए, बस एक फॉर्मूला ही आपको याद रखना है और मोमेंटम कंजर्वेशन वाली क्वेश्चन याद रखनी है भाई, याद भी नहीं करना है, मोमेंटम कंजर्व करवाना है बस आपको, तो फॉर्मूला तो एक ही याद रखना है आपको। लिख लीजिए,
लिख लिया? हो गया सर लिख के। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ एक एग्जांपल वापस इसको लेके भी ले लेता हूँ, सेम ऐसा एग्जांपल। ये बॉल है और यहाँ ए की वैल्यू मैंने मान लिया कि हाफ है, और ये मान लेते हैं कि यू वन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ये एम टू है जो कि इसका मास क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी है ना, और इसका मास एम वन है, तो इसकी वेलोसिटी यू टू इक्वल टू वी टू इक्वल टू 0 है। तो ये टकराने के बाद ये जब बॉल वापस जाएगा, तो आप यहाँ देखो फॉर्मूले से ये वाला टर्म क्या हो जा रहा है, यहाँ देखो ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी माइनस के साथ देखो माइनस ई यू वन, यानी ई यू वन हो जा रहा है, यानी वेलोसिटी जाएगी इसकी हाफ इंटू 4 यानी 2 मीटर पर सेकंड। और ये हमने वहाँ भी देखा था कि ई इंटू यू किया था, इनलास्टिक कोलिजन था। तो ठीक है, तो यही आंसर है। और ये अर्थ सरफेस है, इसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक, लिख लो आप लोग। तो चलो क्वेश्चन करते हैं और भी। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ये मैं चाहूंगा कि आप करें इसको, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपको आइडिया लग गया है। मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले, चलो, ताकि आपको एक कैसे करना है भी पता चल जाएगा। मैं एग्जांपल 20 करके दिखाता हूँ आपको। क्या कह रहा है, लिख लिया नहीं? Two identical balls are approaching towards each other on a straight line with velocity 2 meter and 4 meter per second respectively. Find final velocities after elastic collision between them. है ना? चलो करते हैं। मैं एकदम बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो मुझे सीधा आंसर पता चल गया क्या है इनका, क्योंकि मास सेम है ना, और इलास्टिक कॉलिजन है, यानी E इक्वल टू 1 है, इसका मास सेम है, इसका मास सेम है, और ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ठीक है, इसने कहा फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन देम, तो ये तो है बिफोर कोलिजन। मैंने मान लिया कि कोलिजन के बाद, मालूम कुछ नहीं है, केवल मान लिया है कि कोलिजन के बाद मैंने मान लिया कि ये वी वन से इधर जा रहा है और ये मान लिया मैंने वी टू से इधर जा रहा है। ओके, तो पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्व करवा देते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप यहाँ देखो कि कितना हो जाएगा, 2 into m minus 4 into m, क्योंकि विद साइन लेना है, इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू। तो यहाँ देखो आप वी वन प्लस वी टू इक्वल टू आ गया माइनस टू, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है हमारे पास में न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन,
यानी E इक्वल टू V2 माइनस V1 बाय U1 माइनस U2, और E की वैल्यू यहाँ 1 है, V2 माइनस V1 नहीं मालूम है लेकिन U1 मुझे मालूम है, U1 कितना है यहाँ 2 माइनस U2, क्या लिखेंगे विद साइन लेना है तो माइनस 4 लिखूंगा, तो कितना हो गया 6 हो गया, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों का ऐड करो, 1 प्लस 2 करेंगे तो आप देख रहे हो कितना आ गया 2V2 इक्वल टू 4 आ गया, यानी V2 इक्वल टू देखो कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, पॉजिटिव आ गया। देखो इस वैल्यू को आप इसमें रख दो तो कितना हो गया 2 माइनस V1 इक्वल टू 6, यानी V1 इक्वल टू कितना आ गया देखो माइनस 4 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या कहा था वेलोसिटीज एक्सचेंज होगी, हो गई ना। कॉलिजन के बाद देखो आप, ये बॉल 1 है ना, ये बॉल 2 है, देखो बॉल 1 जो है इधर कितने से जा रहा है, देखो माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, और जो बॉल 2 है वो इधर जा रहा है देखो 2 मीटर पर सेकंड से। तो मास सेम है और वेलोसिटीज, मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटीज क्या हो जाएगी एक्सचेंज हो जाती है, यही आंसर है। समझ में आया? यस सर, है ना। चलो आगे का करके दिखाते हैं, देखो और भी क्वेश्चन करवाता हूँ, ये लिख लीजिए आप लोग। Example 21, देखो 21, 22 आप लोग करिएगा घर पे होमवर्क के लिए, ये है ना, 23 भी करिएगा। अभी मैं आपको 24 बता देता हूँ, 24, 25 और 27 भी बताऊंगा मैं अभी। आप करिएगा, लिख लिया। हाँ सर, भाई सबने लिख लिया? यस सर, यस सर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल 24 है, ऑन अ फ्रिक्शनल सरफेस अ बॉल ऑफ मास है मूविंग एट स्पीड वी मेक्स हेड ऑन कॉलिजन विद एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, यानी ये ऐसा अपने को दिया हुआ है, ये आइडेंटिकल बॉल है और इसका मास एम है, ये वी स्पीड से आ रहा है, ये रेस्ट पर है, इसका भी मास एम है लेकिन ये रेस्ट पर है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कॉलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, फाइंड द कॉफी और रेस्टिट्यूशन। तो कॉलिजन हुआ, ये बिफोर कॉलिजन है और कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी वी वन हो जाती है मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। अब अपने को ये नहीं कहा कि इलास्टिक कॉलिजन है या कैसा, बस इतना कहा कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन बताओ, और एक इंफॉर्मेशन दिया कि इनकी जो एनर्जी है, यानी मतलब क्या हुआ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स यानी हाफ एम वी वन का होल स्क्वायर हाफ एम वी टू का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू है 3/4 हाफ एम V square, ये क्वेश्चन में ऐसा गिवन है।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल. क्लियर है पॉइंट पहले तो? हाँ सर. और एक दूसरी क्वेश्चन क्या लिखेंगे अब यहाँ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम क्या है? एम वी प्लस बॉल टू का कितना है? जीरो. फिर कितना है इसका? एम वी वन प्लस एम वी टू, यानी v इक्वल टू आ गया v1 प्लस v2. अब आप यहाँ देखो हमारे पास में दो अननोन है v1 v2. एक इक्वेशन ये भी है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन, वही तो अपने को चाहिए. तो यहाँ क्या करेंगे? v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2. ठीक है, तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे? v1 v2 v के टर्म में फाइंड करेंगे. और यहाँ देखो पहले इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ मैं. ये तो v2 minus v1 by u1, u1 कितना है? क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो ये v है और ये तो 0 ही है. तुम्हारे पास में आ गया v2 minus v1 equal to ev, है ना? तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है. हम लोग v1 v2 फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा अपने को, है ना? तो करते हैं, तो एक काम करते हैं ना, बेस्ट पार्ट ये है, टू और थ्री को सॉल्व कर लेते हैं, है ना? वो बेस्ट रहेगा, उसको वहां रख देंगे. फिर ऐसा करता हूं मैं, सॉल्व कर देता हूं. टू प्लस थ्री करते हैं, तुम्हारे पास आ गया टू वी टू इक्वल टू ई वी प्लस वी, यानी वी टू इक्वल टू आ गया ई प्लस वन वी बाई टू. इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं, तो v इक्वल टू आ गया v1 प्लस e प्लस 1 v by 2. तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v इक्वल टू 2v1 प्लस ev प्लस v. तो ये इधर आ जाएगा, तो v1 आ गया हमारे पास में v आ जाएगा, v होगा 1 माइनस e by 2, ये v1 आ जाएगा. ठीक है, v1 v2 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. लिख लो इसको, इसको पुट करेंगे तो आप देख रहे हो कि हाफ एम से तो हाफ एम कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ क्या हो जाएगा? v1 का होल स्क्वायर v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू रखेंगे तो v स्क्वायर 1 माइनस e का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस e प्लस 1 का होल स्क्वायर v स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर. ये सब रिमूव कर देता हूं मैं.
तो सर देखो वी स्क्वायर बाई फोर भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में वन माइनस यानी वन प्लस ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई इक्वल टू ये रह जाएगा थ्री। तो यहाँ से भी देखो आप ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये वन में वन प्लस टू यानी कितना हो गया टू ई स्क्वायर इक्वल टू थ्री माइनस टू यानी ई इक्वल टू आ गया वन बाई रूट टू, क्योंकि ये तो वन हो जाएगा तो ये आंसर आना चाहिए। यानी ई की वैल्यू इस केस में क्या आ रही है वन बाई रूट टू आ रही है। क्लियर है कैसे करना है? यस सर ठीक है। हाँ सर लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे हमारे पास में एग्जांपल 25 है, ब्लॉक अपने को दिया हुआ, देखो ये हमारे पास में सरफेस दिया हुआ है, ये 2 kg ब्लॉक है, ये M1 मान लेंगे हम लोग, ये 10 m/s से आ रहा है और वेरी हेवी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये M2 का मास M1 के कंपैरिजन में ज्यादा है, यानी अगर ये M2 है ये M1 है तो दरअसल यहाँ M2 जो है M1 से काफी ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसकी स्पीड तो कभी चेंज नहीं करेगी। पॉइंट क्लियर? तो क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg पोज टुवर्ड्स अ वेरी हेवी ऑब्जेक्ट मूविंग विद 2 m/s क्लोजर टू द ब्लॉक एज शोन अज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन, यानी ई इक्वल टू 1 है एंड फ्रिक्शनल सरफेस, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स। तो इसकी तो वेलोसिटी यही बनी रहेगी, इसकी तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। क्लियर? क्योंकि M2 काफी बड़ा है, तो यहाँ क्या करेंगे फिर हम लोग, तो यहाँ मान लेंगे ये तो हुआ बिफोर कोलिजन है ना, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये ब्लॉक की वेलोसिटी जो कि 2 kg ब्लॉक है, तो मैंने मान लिया कि इधर की तरफ जा रहा होगा वी स्पीड से या V1 से मान लेते हैं, और ये तो इधर की तरफ ही कितने से जा रहा है, यानी V2 इक्वल टू 2 m/s से जा रहा है। ठीक, तो मोमेंटम कंजर्व करवाने की बात ही नहीं है, तो है ना, क्योंकि वो तो उस इक्वेशन से तो हमें पता चल ही रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 2 m/s आ गई। अभी हम क्या करेंगे, अब न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन लगाएंगे, तो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन है तो क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, v2 कितना तो माइनस 2 माइनस है ना, इसको माइनस के साथ ले लेंगे इधर माइनस v1, u1 कितना है 10, ये इसका u1 था ना, और u2 माइनस 2 है उधर की तरफ, ये u2 ही तो है इसका जो है ना, ये U2 ही तो है लेकिन माइनस ले लिया मैंने, क्योंकि उस डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूँ, कितना हो गया माइनस 2 प्लस V1 बाय ये हो गया 12 है ना, तुम्हारे पास आ गया 12 इक्वल टू माइनस 2 प्लस V1 यानी V1 इक्वल टू आ गया 14 m/s। तो मैं माइनस पहले बता चुका था कि लेफ्ट साइड में जा रहा है, वो प्लस आ गया आना ही था, ठीक है, यानी 14 m/s से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, पॉइंट सन में आ गया, तो ये आंसर होना चाहिए, इधर जा रहा है लेफ्ट साइड में। क्लियर है भाई सबको? यस सर। वैसा है क्वेश्चन 26 है, वो आप करिएगा, आपके ऊपर छोड़ दिया, मैं 27 आपको बताता हूँ।
लिख लिया भाई सबने? हाँ सर लिख लिया। आप लोगों को एक अभी नहीं करना है, आपको करना है देखो, एक तो 26 करना है, 25, 24 में बता चुका हूँ, 23 करना है, 22 करना है, 21 में बता चुका हूँ, नहीं 21 भी आपको करना है, ठीक है, 21, 22, 23 और 26 है ना, ये आप लोगों को करना है, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। 27 में बताता हूँ क्योंकि उसमें ढेर सारे पार्ट है, तो एक साथ में बता देता हूँ इसको। देखिए चलो नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल 27। टू बॉल्स ऑफ मासेस 2 kg 4 kg आर मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज। तो देखो ये 2 kg है, है ना, ये 4 kg है, ये मैं मान लेता हूँ M2 है, ये M1 इक्वल टू 2 kg है, ये U1 इक्वल टू 4 m/s है, ये U2 इक्वल टू 2 m/s है ना, ये जस्ट इसने कहा कि टू बॉल्स ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg आर मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज respectively on frictional surface after colliding the 2 kg ball returns back with velocity, yani ye before collision ka hai, after collision ye 2 kg block jo hai yani iski velocity idhar v1 kitni ho ja rahi hai 2 meter per second ho ja rahi hai, to main kya batana hai, ek cheez ki velocity batana hai kyunki idhar maan liya v2 hai, ye 4 kg block hai, ये टू सॉरी ये बॉल है, है ना, 4 kg बॉल और 2 kg बॉल, हमें एक तो v2 फाइंड करना है और क्या क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ 4 kg बॉल आफ्टर कोलिजन बिल्कुल निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकालना है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालना है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन निकालना है। एक तो पॉइंट इसमें अपने को इंपॉर्टेंट मिल गया डी, है ना, तो वो कब मिलेगा अपने को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जब इनके बीच में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो पहले तो मोमेंटम कंजर्व करा लेते हैं, है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे, 2 × 4 - क्योंकि उधर जा रहा है लेफ्ट में, हो तो 4 × 2 इक्वल टू -2 × 2 प्लस 4 × v2, ये तो जीरो ही हो गया, ये कितना है -4 + 4 v2, यानी v2 इक्वल टू 1 पॉजिटिव आ रहा है, यानी जो डायरेक्शन मानी वो सही है हमारी, इसका मतलब है तो राइट में जा रहा है, तो एक आंसर तो ये आ गया, पहला पार्ट तो आ गया। अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी पहला पार्ट हो गया, बी पार्ट फॉर्मूला क्या है, E equal to V2 minus V1 by U2 minus U1, रखो with sign सबको, V2 कितना रहा है 1 minus minus 2, U2 कितना रहा है minus 2, sorry minus नहीं गलत किया मैंने, U1 minus U2, तो U1 कितना है 4 minus minus 2, तो हमारे पास ऊपर हो गया 3/6, यानी ए की वैल्यू आ गई 1/2, एक आंसर ये भी आ गया, ठीक है 1/2 लिख लो इसको, आगे का बताता हूं मैं।
लिख लिया क्या? यस अब यहां देखो, ये दो पार्ट हो गए हमारे पास में। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बताओ, उस पर आऊंगा मैं अभी। उससे पहले क्या हो रहा होगा, यहां देखो, ये दोनों जब कांटेक्ट में होंगे तो जब इनकी वेलोसिटी सेम होगी तब इनके बीच में डिफॉर्मेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दोनों की वेलोसिटी वी है ना, तो ये जब कांटेक्ट में आएंगे तो जस्ट यहाँ कांटेक्ट में आए होंगे ये, जब वेलोसिटीज क्या थी इनकी, इसकी यू वन थी और इसकी इधर यू टू थी, और उसके बाद ये जस्ट जब अलग अलग हो ही रहे होंगे तो इसकी वेलोसिटी इधर वी वन थी और इसकी वेलोसिटी इधर वी टू थी। ओके, तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको इधर की तरफ डिफॉर्मेशन यानी एफ डी फोर्स लग रहा होगा एक तरह से, तो इसको भी एफ डी इधर लग रहा होगा यहाँ, है ना। लेकिन फिर यहां से यहां तक रिफॉर्मेशन हो रहा होगा, तो यहां से यहां तक रिफॉर्मेशन हो रहा होगा, इसको क्या लग रहा होगा इधर एफ आर और इसको एफ आर, है ना। ये बात कर चुके हैं पहले हम लोग। तो बॉल वन के लिए मैं बात कर लेता हूँ, है ना, ये बॉल वन है, ये बॉल टू है, तो फोर बॉल एम वन, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्या लिखूंगा, माइनस एफ डी इंटू डी टी इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे तो एम वन वी माइनस एम वन यू वन, और हमें यही चाहिए इंपल्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। अच्छा, पहले एक चीज और बता लेते हैं, मोमेंटम कंट्रोल करवा लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि वी तो जीरो आ जा रहा है, मोमेंटम जब कंजर्व करवा रहे थे हमने देखा है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो मोमेंटम जब कंजर्व करवाएंगे तो पूरे सिस्टम के लिए कैसे लिखेंगे, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप लिखोगे यहाँ फोर इंटू टू माइनस फोर इंटू टू इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल कितना हो रहा, सिक्स इंटू वी इक्वल टू, ये लिखोगे माइनस टू इंटू टू प्लस फोर इंटू वी टू। आप यहाँ देखो ये क्या आ रहा, देखो जीरो इक्वल टू आ रहा, सिक्स वी इक्वल टू माइनस फोर प्लस फोर वी टू, यानी वी तो जीरो आ गया। तो यहाँ रखो, इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एफ डी डी टी इक्वल टू माइनस एम वन वी प्लस एम वन यू वन, तो ये तो जीरो ही आ गया, तो जीरो प्लस एम वन कितना है टू, यू वन कितना है फोर, तो कितना आ गया एट आ गया। तो एफ डी डी टी इक्वल टू आ गया हमारे पास में एट न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये आ गया इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन आ गया, ये क्या था, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन आ रहा मैग्नीट्यूड में एट न्यूटन पर सेकंड आ गया, ठीक है। ये लिख लो पहले, तो ये हो गया हमारे पास में सी पार्ट।
लिख लिया सबने? यस सर। अब इसमें पहले ए पार्ट बताता हूं मैं, इंपल्स और रिफॉर्मेशन। तो ए पार्ट पहले कर लेते हैं, मैं यहीं लिख देता हूं। ई फॉर बॉल एम वन के लिए बात कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? माइनस, इसकी जगह मैं वो लिखूंगा इसको हटा देते हैं, तो माइनस एफ आर डी टी इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग एम वन वी वन माइनस एम वन बी, है ना। लेकिन अब इस साइन लिखूंगा मैं, अभी अभी कुछ किया नहीं मैंने, तो माइनस एफ आर डी टी एम वन कितना है? टू। और वी वन को क्या लिखेंगे हम? माइनस, कितना हो जाएगा ये? वी वन कितना आ रहा है? टू माइनस, ये तो जीरो हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये भी कितना आ गया? एफ आर डी टी इक्वल टू फोर न्यूटन सेकंड। तो ये इसका भी मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास में, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन का। ये इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन आ गया। सर आंसर में माइनस भी है वो मैंने देखो ना माइनस के साथ ले लिया था ना पहले यहाँ, इसलिए। ओके सर, ठीक है। इसका मतलब मेरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना फिर उसमें, डायरेक्शन मैंने बता ही दिया था बोल एम वन के लिए। लिख लिया? हाँ सर। अब बात करते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब क्या? देखो इसको वापस से समझते हैं। ये जब यहाँ कांटेक्ट में आए होंगे जस्ट, अभी भी इनकी वेलोसिटीज क्या बनी रही होगी? यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। इसकी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। ये 4 kg है, ये 2 kg है ना। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ एक तरह से, तो दोनों की जो वेलोसिटीज है वो क्या हो जा रही है? यहाँ वी हो जा रही है। तो अभी ये मैक्सिमम जो डिफॉर्मेशन है तभी इनकी वेलोसिटीज क्या होगी? सेम होगी, उसी इंस्टेंट की बात कर रहा है। और उसके बाद ये दोनों ये जस्ट कॉन्टेक्ट में ऐसे रहेंगे, लेकिन वेलोसिटीज इनकी क्या होगी फाइनली? इसकी इधर की तरफ हो जा रही है, कितनी जा रही है? 2 मीटर पर सेकंड। और इसकी इधर हो जा रही है 1 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, टोटल जो एनर्जी है ना वो तो कमजोर रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कमजोर नहीं है। तो कैसे? मतलब यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगा रहा हूँ यहाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ? हाफ इंटू टू फोर का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू फोर इंटू टू का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ टू प्लस फोर वी स्क्वायर प्लस जो डेल्टा यू बात कर रहे हैं हम लोग, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में हाफ इंटू टू का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू फोर इंटू वन का होल स्क्वायर। ये इसकी बात कर रहा है वो डेल्टा यू मैक्स की। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 से 2 यानी 16 प्लस 16 यानी 8 इक्वल टू 3। अच्छा ये तो जीरो ही है उस इंस्टेंट पे, तो जीरो हो गया, ये तो जीरो लिख लो। प्लस डेल्टा यू मैक्स, ठीक है। और ये इक्वल टू देखो कितना आ रहा, 4 प्लस 2, कुछ गड़बड़ किया गया, नहीं नहीं सॉरी ये गलत किया मैंने, ये नहीं हो सकता ना क्योंकि यहाँ तो लॉस हो चुका है ना, ये तो गलत लिख रहा हूँ मैं, कुछ ये लिखना पड़ेगा अपने को,
ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा बस। हरी बात सुन में, तो यहाँ वेलोसिटीज दोनों की जीरो हो गई, तो वो एनर्जी कहाँ चली गई? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में चली गई है, और बाद में तो लॉस होना हो ही रहा है ना, क्योंकि वहां तो डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि जो ए की वैल्यू अपने को मिल रही है, ए की वैल्यू कितनी मिल रही है 1/2, इसका मतलब लॉस तो होना ही होना है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर तो कंजर्व रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए एनर्जी कंजर्व रहेगी ये पूरी, क्योंकि मैंने इसमें वो एनर्जी भी कंसिडर कर ली जो लॉस में जा रही है। तो ये नहीं, ये तो गलत कर रहा था मैं, ये नहीं, ये सही आंसर। तो कितना आ गया है, तो डेल्टा यू मैक्स हो जाएगा 24 जूल, ये आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व है ही नहीं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ मतलब जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन नहीं है, पार्शली इलास्टिक कोलिजन है, तो लॉस तो होगा ही होगा। ये लिख लो आंसर सर, अगर ई वन था तो वो दूसरा वाला इक्वेशन भी लगा सकते। हाँ हाँ, तब वो वैलिड था, क्योंकि उस हिसाब से वहाँ वेलोसिटीज भी अपने को मिल जाती है फिर वो। ओके सर, जीरो है ना, बी की वैल्यू जीरो मिला था ना अपने को, बी जीरो मिला था, देखो वापस से सॉल्यूशन। हाँ, इसी इसको आपने जैसे इलास्टिसिटी पढ़ा होगा ना सर ने, जब आपको पढ़ाया होगा तो वहां बताया होगा कि जब ये इसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो कम्प्लीटली क्या है कि रिफॉर्मेशन हो नहीं पाती, बॉडी रिफॉर्म हो नहीं पाती है, तो वो एनर्जी डिसिपेशन की फॉर्म में निकल जाएगी वो। ये हाँ, डेल्टा यू जो लिखा मैंने, ये उस केस में जब कम्प्लीटली डिफॉर्मेशन है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो गई कहाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जब ये जब पूरी तरह से डिफॉर्मेशन है, कम्प्लीटली डिफॉर्मेशन जब है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो उस केस में क्या हो रहा है, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है उस समय वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो वो वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, वो काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, यानी वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी, इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आपने क्या पूछा, आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा, वो एनर्जी जो है ना अपने को मिलेगी नहीं, यानी बॉडीज अपनी शेप में आएगी नहीं, यानी उनमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा, तो वो जो लॉस है ना, वो लॉस कितना होगा, वो लॉस मैं बता सकता हूँ, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो इसकी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में, तो लॉस कितना वो मिल जाएगा आपको, तो वो लॉस ये नहीं होगा, ये तो मैक्सिमम, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है तब एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, क्योंकि जब ये दोनों अलग होंगे तो कुछ हद तक क्या करेंगे, ये शेप अपनी रिगेन करेंगे, कम्प्लीटली रिगेन नहीं करेंगे, कुछ हद तक, यानी इसका मतलब कुछ हद तक उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हो गया, डिफॉर्मेशन की वजह से वो एनर्जी कहाँ चली गई, डिसिपेशन में चली गई है, ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो कितना डिफॉर्मेशन में चली गई है वो मैं बता सकता हूँ, यानी एनर्जी लॉस कितना हुआ, देखो यहाँ वो हमेशा लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम की माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये माना जाएगा लॉस में, तो वो लॉस कितना आ रहा, देखो ये एनर्जी कितनी आ रही है हमारे पास में, वो आ रही 24 माइनस फाइनल एनर्जी लिखो कितना है, 1/2 × 2 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 × 4 × 1 का होल स्क्वायर, तो ये एनर्जी होगी 24 माइनस 2 से 2 चला गया तो 4 + 4 यानी 8, यानी 16 जूल जो है ना वो डिसिपेशन में चली गई है। हरी बात सुन में, केवल हम लोग 8 जूल ही रिकवर कर पाए, 8 जूल ही
रिकवर हुई है, बाकी सब चली गई, बेकार हो गई एनर्जी। इसका मतलब है कि इन बॉडीज में परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गया है, ये मतलब हुआ। ओके यस सर। सर वो सिक्स आएगा ना सर, एट के जगह पे। क्या हो गया सर, वो सिक्स के जगह पे नहीं, एट के जगह पे सिक्स आएगा। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, सिक्स आएगा। तो 18 जूल खत्म हो गई, यानी सिर्फ अपने को रिकवर कितना कर पाए, केवल 6 जूल। ये यानी 18 जूल लॉस में चला गया है। क्लियर? यस सर। लिख लिया सबने? अब बात करते हैं ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में। तो क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे, कॉन्सेप्ट हमने सीख ही लिया कॉलिजन का, जो जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो यहां मैं एग्जाम्पल 28 यानी क्वेश्चन के थ्रू करूंगा मैं। तो इसमें मैं पहला केस ये ले रहा हूं जो जो ये कह रहा है ना, फिर मैं अपना एक और केस इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा। हाँ, डिफॉर्मेशन में चली गई है, जो परमानेंट जो डिफॉर्मेशन रह गया ना वहां, उसी में डिसिपेट हो गई वो एनर्जी 18 जून। अब ये हमारे पास में एग्जांपल 28 में क्या कह रहा है, अ बॉल ऑफ मास m हिट्स अ फ्लोर विद अ स्पीड v नॉट मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसने पहला केस में ये भी याद रखो कि इसने जो क्वेश्चन तो आधा अधूरा ही पूछा है, इसमें मैं कंप्लीट एक स्टेटमेंट यहां लिख देता हूं, इसलिए मैंने दो पार्ट बना लिया इसका, कि बॉल और सरफेस यानी जो फ्लोर है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो नो फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर। ओके, तो क्या हो रहा है यहां, दरअसल ये हमारे पास में फ्लोर है और ये नॉर्मल होगा और ये बॉल ऐसे आके टकराएगी, इसकी वेलोसिटी इसने दिया और ये एंगल भी अपने को दे रखा है इसने कि अल्फा एंगल है, सीधी सी बात है कि एंगल भी अल्फा होगा, और यहाँ वेलोसिटी जो दिया इसने वी नॉट दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसको रिजोल्व करेंगे, यानी वी नॉट के डायरेक्शन ये है ना, इसका एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा और एक कंपोनेंट इधर होगा वी नॉट साइन अल्फा। आप न्यूटन के जो लॉज है वो भी ध्यान में रखने हैं, है ना। अब देखो कैसे क्यों बोला मैंने ऐसा, इसलिए कहा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है और ये जो फ्लोर है इसका मास तो लार्ज है क्योंकि ये तो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है ना, बॉल का मास तो स्मॉल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको यहाँ बनाता हूं बिफोर कोलिजन करके, तो बॉल टकराने के जस्ट पहले इसका ये कंपोनेंट क्या है V नॉट साइन अल्फा है, टकराने के जस्ट पहले ये V नॉट कॉस अल्फा है। आप यहां देखो, मैंने इसलिए कहा कि नो फ्रिक्शन, इसका मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल में इस पर कोई फोर्स है क्या बॉल पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में है ना। तो वैसे भी मैं वो इसलिए लिया मैंने क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी मुझे, वर्टिकल डायरेक्शन में तो है तभी तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है भाई, बिना फोर्स के वेलोसिटी कभी चेंज होगी नहीं, यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, तभी तो इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जा रही, अपोजिट हो जा रही है। ठीक है, तो वो अलग बात है कि वो वैल्यू क्या होगी यार, लेकिन
वो हो जाएगी ई वी नॉट कॉस अल्फा। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, जब क्योंकि ये सरफेस रेस्ट पर है तो टकराने के बाद वो कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट तो चेंज होगा यहाँ, तो उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो वेलोसिटीज है हमारे पास में, जो कॉफिशियंट जो क्या बोलता हूँ कॉफिशियंट रेस्टिट्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है या जो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन है, वहां जो वेलोसिटीज लेते हैं वो कौन सी वेलोसिटीज लेते हैं, कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाली लेते हैं, तभी तो ये वाली क्या हो रहा है उसी कॉन्सेप्ट से एक तरह से क्या हो जा रहा है ई वी नॉट कॉस अल्फा हो जा रहा है। तो फाइनली ये बॉल किधर मूव करेगा, क्योंकि वी नॉट साइन अल्फा तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, ये बॉल इधर की तरफ मूव करेगा, इसकी स्पीड हो जाएगी वी। वी कितना हो जाएगा यहाँ, वो हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा का होल स्क्वायर ई वी नॉट कॉस अल्फा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉल एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको इतना तो फिजिक्स में मालूम ही आपको कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये माना जाएगा, तो ये एंगल मैंने मान लिया कि बीटा है, इसको क्या लिखेंगे फिर टेन बीटा इक्वल टू होगा वी नॉट साइन अल्फा बाई ई वी नॉट कॉस अल्फा, यानी ये क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाई ई हो जाएगा। तो दोनों आंसर आ गए हमारे, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। Yes, sir. तो जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो वी नॉट साइन अल्फा नहीं चेंज हो सकता क्योंकि फोर्स ही नहीं है, उस डायरेक्शन में फोर्स होगा तभी तो वेलोसिटी चेंज हो गई, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है तभी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, ये लिख लो पहले। अब जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। अब देखो यहाँ सर एक समझ लिख लिया ना भाई? हाँ लिखो। हाँ सर। अब बी पार्ट पे चलते हैं। देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो दिया आपने को यहाँ वो दिया है म्यू, ठीक है, जो कि क्या होगा म्यू के होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ देखो, अब आप ये बॉल टकरा रही है,
तो बॉल ऐसे आ रही है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, इधर क्या कंपोनेंट था इस, मतलब सॉरी वी नॉट था, ये इधर कंपोनेंट क्या था बिफोर कोलिजन, वी नॉट कॉस अल्फा है ना, ये बिफोर कोलिजन है, वी नॉट साइन अल्फा, लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से क्या हुआ, देखो कोलिजन के तुरंत बाद ये कंपोनेंट होगा वी एक्स, और ये कंपोनेंट तो हो जाएगा क्योंकि ये तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से आया, ई वी नॉट कॉस अल्फा, क्यों, क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट पर है ना, मास बहुत ज्यादा है, लेकिन ये वी एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टकराने के तुरंत बाद यहाँ जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो क्या है, नॉर्मल है, जो कि इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव अगर है तो वी एक्स वी नॉट साइन अल्फा राइट साइड में होने की वजह से यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा इसको वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यानी एफ के है ना, तो अगर इसको इम्पल्स एन डी टी ऊपर लग रहा है तो इसको एफ के डी टी इधर की तरफ लग रहा होगा, जहां एफ के की वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू एन या म्यू एन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नॉर्मल इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी तो इम्पल्सिव होगा, अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट जो इम्पल्स वाला पढ़ रहे थे हम लोग वहां, कैसे नॉर्मल और फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव बन जाएंगे, नॉर्मल अगर इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी यहाँ इम्पल्सिव होगा, ये लॉजिक समझ में आया सबको पहले, हाँ सर, ये लिख लो, तो फिर तो ये आफ्टर कोलिजन का है, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये टकराएगा है ना, टकराएगा तो ये नॉर्मल क्या इम्पल्सिव है होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी की वजह से तो ये इसका एक कंपोनेंट चेंज हुआ, क्योंकि एफ वी नॉट कॉस अल्फा नीचे था, बाद में ई वी नॉट कॉस अल्फा ऊपर हो गया, यानी नॉर्मल की वजह से हुआ, नॉर्मल अगर इम्पल्सिव है तो इसका मतलब यहाँ जो फ्रिक्शन होगा बॉल और फ्लोर के बीच में वो भी इम्पल्सिव होगा, क्योंकि नॉर्मल की वजह से तो फ्रिक्शन आता है, तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले इसका वी नॉट साइन अल्फा था जो कि चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि वहां फ्रिक्शन जीरो था, अभी इस केस में वो क्या हो जाएगा, v नॉट साइन अल्फा की जगह वी एक्स आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे एक फ्रिक्शन लगेगा जो कि इम्पल्सिव है, यानी जिस इंस्टेंट पर बॉल टकराया उस इंस्टेंट पर जो नॉर्मल डेवलप हुआ वो इम्पल्सिव था, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा उस इंस्टेंट पर इम्पल्सिव हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, और वो वेलोसिटी के अपोजिट होगा क्योंकि ये आगे की तरफ ऐसे स्लाइड करना चाहेगा ना, क्लियर, यस सर, हां सर, अब एक एक करके इक्वेशन लिखेंगे, इंपल्स की जो इक्वेशन हमने लिखा था उसको इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन भी बोलते हैं, या इंपल्स इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, मैं इसको इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन बोलूंगा, क्यों बोलूंगा, क्योंकि इसमें मोमेंटम चेंज हो रहा है, इंपल्स तो था ही सही क्योंकि इंपल्स इक्वल टू क्या था, चेंज इन मोमेंटम, तो वो इक्वेशन में यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसको रफ कर दूं, यहाँ से लिखते हैं, ऊपर वाला नहीं करो, लिखो लिखो जल्दी लिख लो इसको, हो गया ना, अब यहाँ देखो इंपल्स मोमेंटम, या पहले इसको इक्वेशन या आई एम इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, फॉर पहले y एक्सिस के लिए बात करते हैं, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्या था वैसे, a फैक्टर dt इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यही इक्वेशन हमारे पास में है ना, ये dp ले लो, डेल्टा ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ है तो n dt,
फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम उसी डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, एम ई वी नॉट कॉस अल्फा माइनस माइनस एम वी नॉट कॉस अल्फा। ये इक्वेशन समझ में आए सबको पहले तो भाई, नीचे की डायरेक्शन को, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। मैंने इनिशियल मोमेंट इसका जो मोमेंटम था वो तो नीचे था ना, बाद में वाई डायरेक्शन में ऊपर बन गया हो, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो हमारे पास में एक इक्वेशन तो ये आ गई, यानी एन डी टी इक्वल टू एम यहाँ से वी नॉट कॉस अल्फा को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए प्लस वन, इक्वेशन नंबर वन। दूसरी इक्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे, है ना, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो आप देखो फाइनल मोमेंटम यानी इसका, लेकिन पीछे की तरफ है तो क्या लिखेंगे, माइनस एफ के डी टी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम वी एक्स माइनस एम वी नॉट साइन अल्फा। हमारे पास में आप यहाँ देखो एफ के को क्या लिखते हैं, तो हो जाएगा म्यू इंटू एन डी टी इक्वल टू एम वी एक्स माइनस एम वी नॉट साइन अल्फा। ये समझ में आया पहले? भाई ये इक्वेशन समझ में आई अलोंग द एक्स एक्सिस के लिए? यस सर। है ना, अब आप हमें देखो, हमें वी बॉल का वी वाई तो मालूम है क्या है, ए वी नॉट कॉस अल्फा। हमें क्या निकालना है यहाँ, वी एक्स निकालना है बस। क्या निकालना है, वी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, माइनस म्यू एन डी टी की वैल्यू क्या है यहाँ, एम वी नॉट कॉस अल्फा ई प्लस वन, और ये इक्वल टू हमारे पास में एम वी एक्स माइनस एम वी नॉट साइन अल्फा। एम से एम कैंसिल आउट हो गया तो वी एक्स कितना मिल गया, तो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा माइनस म्यू एम वी नॉट कॉस अल्फा ई प्लस वन। तो आप यहाँ देखो बॉल का ये कंपोनेंट है वी एक्स, और बॉल का ये कंपोनेंट क्या है, वी वाई, जो कि कितना था, ई वी नॉट कॉस अल्फा। ये रफ कर दूं नीचे वाला, तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई इसकी, ये आ गई। है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई इसकी, ये v आ गई, जो कि v क्या लिखोगे आप, v x का होल स्क्वायर v y का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आपको दोनों दिया हुआ है, ये पता ही है और ये भी पता है, तो आप इसकी वेलोसिटी बता सकते हो ना क्या होगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ सर। है ना, तो ऐसा करना है, ध्यान रखिएगा इसका, लिख लीजिए। हाँ एम को कट, एम कट हो गया ना।
लिख लिया भाई? हाँ सर लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पब्लिक। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है ना, ये भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है, फिर आप वाला करेगा एग्जांपल 30, 31 भी आप करिएगा, मैं तो बता देंगे। थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर, ये आप ट्राई करिएगा। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ, ये वाला एग्जांपल 29, बाकी सारे क्वेश्चन जो आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, देखो, बॉल ऑफ मास एम मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, एन इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू 1 है, दोनों का मास सेम है, सो दैट इफ द कोलिजन इज ऑब्लिक द बॉडीज गो एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन, है ना। तो बॉल ऑफ मास मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉल, तो देखो मतलब ये हुआ, मान लो ये बॉल है और एक बॉल इस तरह से आ रही है, ये तो रेस्ट पर है, ये बॉल टू है, ये बॉल वन है, और ये बॉल इधर कहीं आ रही थी ऐसे वी स्पीड से, और इनका जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो इधर होगा, मान लो ऐसा हो सकता है ना, कैरम बोर्ड में आपने देखा होगा, मालूम है ना भाई, ऐसे स्ट्राइकर जो होता है हम लोग मारते हैं, बॉल यहाँ रहती है मान लो, है ना, हम लोग यहाँ मान लो स्ट्राइकर यहाँ है और हमें मान लो इसमें लेके जाना है, मान लो यहाँ ये होल बना हुआ है इसमें इसको ले जाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, मतलब इस तरह से मारे कि इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट इधर बने, है ना, तो इसका मतलब भी जब कोलाइड करेगा तो इस तरह से कोलाइड करेगा, इसकी वेलोसिटी इधर कहीं होती है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या करता है, इसको ऐसे पुश करता है, देखा है ना भाई? तो ये वही है कैरम बोर्ड वाला ही कैसे, तो ये मान लेते हैं कि ये कॉइन से मान लो, है ना, और ये स्ट्राइकर है जो वन वाला स्ट्राइकर है, टू वाला कोई ने मान लो, दोनों का मास सेम है, तो क्या होगा, ये एंगल मैंने मान लिया कि ये एंगल अल्फा है और इलास्टिक कोलिजन है, ई इक्वल टू 1 है, दोनों का मास सेम है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहो तो बेसिक पे जाके कर लो, नहीं तो सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ कि कोलिजन के बाद इस वेलोसिटीज क्या होगी, एक्सचेंज होगी ना, इसका ये कंपोनेंट क्या है v cos अल्फा और ये कंपोनेंट क्या है v sin अल्फा, लेकिन कंडीशन है कि दोनों स्मूथ है, ये होना चाहिए, ये लिखा नहीं इसने, ये बात फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि बॉल्स क्या है, यानी स्मूथ बॉल है, है ना, तो क्या होगा, ये वेलोसिटीज एक्सचेंज करेंगे, तो इसको वेलोसिटी क्या हो जाएगी इधर v cos अल्फा और इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो ना, याद आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटीज कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सचेंज होगी, और ये क्या हो जाएगा v नॉट sin अल्फा, दोनों परपेंडिकुलर ही तो मूव कर रहे हैं देखो, क्योंकि इसका ये कंपोनेंट तो जीरो हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, और बॉल टू ऐसे निकल जाएगा और बॉल वन ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, और आप चाहो तो बेसिक से करके दिखा देता हूँ, बोलो करके दिखाऊं? हाँ सर, चलो ठीक है, लिख करके दिखाता हूँ, देखो, क्योंकि बॉल्स क्या है, ध्यान रखना स्मूथ है, तो क्या होगा, देखो बिफोर कोलिजन ये कंडीशन है, ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन क्या कर रहा हूं मैं, यहां मान लेते हैं कि इसका ये कंपोनेंट मैंने मान लिया कि वी वन है और इसका ये हो जाता है मान लेते हैं वी टू है, और इसका ये कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं करेगा, वी sin अल्फा रहेगा, क्यों, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है ना, फ्रिक्शन है नहीं, तो उस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं बॉल पर, वाई डायरेक्शन में, बॉल वन पर ना, बॉल टू पर है,
बोल्ट ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो इसके अलोंग लगेगा, तभी तो इधर इसकी वेलोसिटी ले रहा हूं मैं। ये बात समझ में आई पहले तो, कि बोल्ट ऊपर फ्रिक्शन किधर, फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस लगेगा, वाई डायरेक्शन के बीच में कोई फोर्स नहीं, क्यों? क्योंकि ये स्मूथ है तो वी साइन अल्फा भी चेंज नहीं करेगा, ठीक। तो एक तो मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, एम वी वन, सॉरी इनिशियल ये थोड़ी था, ये तो फाइनल है, इनिशियल क्या लिखेंगे इसके लिए, एम वी कॉस अल्फा प्लस बॉल टू का जीरो, इसका क्या लिखेंगे पहले का एम वी वन प्लस एम वी टू, और वाई डायरेक्शन में तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, है ना, वैसे भी साइन अल्फा बना रहेगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो एक इक्वेशन तो इसको बना लेते हैं पहले, एम को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर वन। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी e इक्वल टू क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1, क्योंकि वहां वेलोसिटीज क्या लेनी है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज होती है, किसमें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में, तो v2 माइनस v1 बाय u2, सॉरी u1, u1 कितना है यहां, u cos अल्फा माइनस u2, तो जीरो ही है, तो एक इक्वेशन ये आ गई, यानी कितना आ गया, e v cos अल्फा इक्वल टू v2 माइनस v1, ये आ गई इक्वेशन नंबर टू, ये लिख लो पहले। अच्छा e तो लेकिन वन है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, v cos अल्फा हो जाएगा, क्योंकि e कितना है यहाँ, ये तो वन लिया हमने यहाँ, है ना, e की वैल्यू तो वन है, लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। यहाँ क्या करेंगे, वन प्लस टू करेंगे, वन प्लस टू करोगे तो क्या मिलेगा, देखो टू v cos alpha equal to क्या मिल रहा है आपको, 2 v2 मिल रहा है, यानी v2 equal to क्या मिल गया, v cos alpha ना, इसको रखो putting in 1, तो आप यहां देखो v cos alpha equal to v1 plus v cos alpha, देखो v1 0 आ गया ना, तो ये तो दिखा रहा था मैं, यानी वन की वेलोसिटी इधर वी साइन अल्फा है और टू की जो वेलोसिटी है वो किधर आ रही है, इधर आ रही है वी कॉस अल्फा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया ना, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर। हाँ सर आ गया। अब आपको मैंने पहले कुछ क्वेश्चन बताए आपको, वो करने जो मैंने नहीं किए, एग्जांपल 30 करना है, 31 भी करना है, 32 भी करना है, 33 भी करना है, 34 भी करना है, और बस इतना करना है आपको, एक तो ये होमवर्क आपका है, अभी इतना ही होमवर्क है ना। अच्छा कोलिजन का मैंने दे दिया था आपको,
वेरिएबल मास का भी मैंने बताया नहीं, वेरिएबल मास में थोड़ा मैंने कल जो लूंगा वेरिएबल मास ही लूंगा सबसे पहले, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा समझ आने के लिए। कॉन्सेप्ट तो हमने मैंने पढ़ा दिया उसका, बस उसको यूज करना सिखाना है। वैसे तो आज भी यूज करना सीखा है मैंने, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन वहाँ भी यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं इसमें एक क्वेश्चन करवाना है मुझे, प्रॉब्लम्स में आइए आप, प्रॉब्लम्स में एक क्वेश्चन है, सॉरी प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम्पल 34 पर आइए, सॉरी 38 पर आइए, एग्जाम्पल 38 पर ये लिख लिया ना आप लोगों ने, तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 38। ये मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव वाला, तो वैसे तो मैंने लिखवा दिया था लेकिन अब इसको यूज करना सिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल 38 क्या कह रहा है देखो, टू बॉल्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ वर्टिकल लाइन। देखो एक बॉल ये है, इसका मास 2 kg है और ये बॉल नीचे आ रहा है 3 m/s से, ये मान लेते हैं u1 है, और एक बॉल ऊपर जा रहा है जो कि दिया है 4 m/s से, ये मान लेते हैं u2 है, और इसका मास है 4 kg, है ना। तो जस्ट बिफोर कॉलिजन, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में है, जस्ट बिफोर कॉलिजन की कंडीशन है, क्योंकि अगर कुछ डिस्टेंस भी चलेगी तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, यहाँ फिगर समझाने के लिए ऐसा लिया हुआ है, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन के कंडीशन है, ये बिफोर कॉलिजन के, है ना, जस्ट बिफोर और इसने एक चीज मेंशन नहीं किया लेकिन इसने सॉल्यूशन में मेंशन किया, तो मैं यहां लिख देता हूं नेक्स्ट है हमारे पास में इसमें जस्ट, क्योंकि वो मेंशन करना जरूरी था, तो जस्ट आफ्टर कॉलिजन इसने जो बॉल वन लिया है ना ये, और ये बॉल टू है, तो बॉल वन की वेलोसिटी इसने दिया हुआ है जस्ट आफ्टर कॉलिजन, कितना दिया है 4 m/s, दरअसल क्वेश्चन में गिवन है, और ये टू बॉल की वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी है ना। तो मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ ही मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वी को ऊपर की तरफ मान लिया मैंने। अब आप यहाँ देखो, जब इस सिस्टम को अगर आप देखते हो तो इस पूरे सिस्टम को अगर आप ऑब्जर्व करो तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम पर देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है दरअसल वो 6 g लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है मालूम है। लेकिन ये फोर्स कौन सा है, नॉन इम्पल्सिव है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन इम्पल्सिव है तो उस जिस इंस्टेंट पर कॉलिजन हो रहा है उस इंस्टेंट पर आप मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हो। ये बात समझ में आई क्या कहा मैंने? यस सर। तो यहाँ क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे। तो हमें मालूम है ऊपर की डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। मोमेंटम कंजर्व करवाओ तो क्या लिखेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो वहां देखो पहले बॉल वन के लिए क्या लिखोगे आप, -2 × 3, बॉल टू के लिए क्या लिखोगे 4 × 4 इक्वल टू बॉल वन के लिए क्या लिखोगे 4 × 2 क्योंकि उसका मास 2 है, प्लस इसका कितना है तो 4 × v। तो आप यहाँ देखो कितना आ रहा है, -6 + 16 = 8 + 4 v, तो ये आ गया दरअसल हमारे पास में 2 = 4 v, यानी इसका मतलब v इक्वल टू आ रहा है यहाँ 1/2 m/s, जो कि हमने माना उसी डायरेक्शन में आ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी क्या आ गई 1/2 m/s आ गई। ये लॉजिक समझ आ गया आप? तो अगर नॉन इम्पल्सिव फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स तो आप मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह एग्जाम्पल 39 है वो आप लोग करिए अब इसको। अच्छा वो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जाम्पल 40 यहाँ दिया हुआ है वो।
एग्जांपल 39 करो आप। हो गया सर। चलिया वेरी गुड। बताना है क्या? ठीक है, देख कैसे करेंगे। A bullet of mass 50 gram is fired from below into the bob of mass. देखो ऐसा दिया हुआ है, ये बॉब जो है सस्पेंडेड है, और एक बुलेट जस्ट इसकी भी वेलोसिटी जस्ट एंटर करने के जस्ट पहले की वेलोसिटी दिया है वी है। इसका मास कैपिटल एम मान लेते, इसका मास स्मॉल एम मान लेता हूं मैं, है ना। तो कह रहा है कि लॉन्ग सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर, बुलेट रिमेंस इनसाइड द बॉब एंड द बॉब राइजेस थ्रू हाइट ऑफ दिस। यानी क्या हो रहा है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन का है और जस्ट आफ्टर कोलिजन ये बुलेट इसके अंदर चली जाती है, ठीक है ना। तो जैसे बुलेट अंदर जाएगी, इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी मैंने मान लिया कि वी नॉट हो गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हो सिस्टम पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है अपने को, एम जी फोर्स लग रहा है ना। और टेंशन तो ऊपर है, लेकिन ये तो टेंशन तो इमिडिएटली क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन पूरे सिस्टम पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, मतलब एम प्लस एम इन टू जी लग रहा है। लेकिन ये नॉन इम्पल्सिव है, इसलिए क्या होगा, यहाँ मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, एम वी प्लस इसका कितना है बॉब का, जीरो, दोनों साथ में जा रहे हैं, यानी एम प्लस एम इंटू वी नॉट, यानी हमारे पास वी नॉट आ गया एम वी बाई एम प्लस स्मॉल एम। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो जैसे ऊपर जाने लगेगा तो रॉप तो सिलेक्ट हो जाएगा ना, तो ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा ये तो रॉप तो। तो मान लो ये सिस्टम यहां तक गया तो वो हाइट अपने को दिया हुआ है। तो अगर हाइट दिया तो आप ये भी जानते हो कि अगर ऊपर जाएगा टेंशन जीरो हो ही गया, तो अंडर ग्रेविटी तो जा रहा है, तो जी डाउनवर्ड लग रहा है। यहां जब जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो।
यानी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फाइनल जीरो इनिशियल v नॉट कॉल स्क्वायर माइनस 2g इनटू h यहां देखो आप रखेंगे mv बाय m प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2g इनटू h हमें निकालना क्या था फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट सब दिया हुआ है आपको यहां m दिया हुआ है ना h दिया हुआ है g दिया हुआ है g की वैल्यू 10 लेना है तो आपको यहां v मिल जाएगा समझ में आ गया कर लोगे कितना होगा देखो पहले यहां m कितना आ रहा है स्मॉल m आ रहा है 50 ग्राम तो ग्राम में रहने दे तो क्योंकि ग्राम बाय ग्राम कट जाएगा ना तो v बाय ये कितना हो गया 500 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 into 10 into 1.8 तो ये हो गया v बाय 10 यानी v स्क्वायर बाय 100 और यहां कितना होगा 36 आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि v इक्वल टू आ गया 60 मीटर पर सेकंड यही आंसर है मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा हां सर यस सर कैसे करना था तो है ना आप एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर लिया आप लोगों ने जो मैंने बोला था हां सर अच्छा ठीक है तो अब आप ये एग्जांपल्स भी कर लो है ना कल इसको कंप्लीट करा दूंगा टॉपिक को मैं संडे को नया टॉपिक शुरू करेंगे नहीं किया तो करो फिर संडे को हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स शुरू करेंगे ओके सर अच्छा आपके बोर्ड में कौन-कौन से टॉपिक हो गए इलास्टिसिटी हो गया आपका हां यार बोर्ड की क्लास अटेंड नहीं करते हो क्या आप लोग इलास्टिसिटी नहीं हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है अभी नहीं आप लोगों ने कहा था ना कि पहले इलास्टिसिटी शुरू करा था सर ने सर सरफेस टेंशन स्टार्ट किया था पहले सरफेस टेंशन कंप्लीट हो गया हां सर फिर फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू किया है ना सर वो पास्कल लॉ तक किया अच्छा ठीक है तो फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट होते हैं फिर आप इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी पढ़ लीजिएगा यस बोर्ड के है ना और अगर ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आप वो है ना आपके क्या बोलते हैं हीट ट्रांस केटीजी एंड थर्मो यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो भी पढ़ लेना है यस सर वो मैं वैसे तो आपको वापस से डिटेल में पढ़ाऊंगा लेकिन पहले बोर्ड के लिए तैयार कर लो आप लोग तो अभी हां सर इनको वापस जो टॉपिक आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो इनको वापस से पढ़ाऊंगा मैं यस सर चलिए फिर ओके बाय 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 सर बाय सर ओके बाय बाय